काम मिलने पे है, काम मिलने पाए, जैसे काम मिल जाए तो 1500 बच जाए, 2000 बच जाए। अच्छा, मतलब ये पार्ट टाइम अगर खेती के साथ में इसको लगाए तो ज्यादा फायदा रहेगा। हाँ, तो खेती में भी काम ले लो, उसके बाद में खाली टाइम इसमें चला लो धान। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे धान कूटने वाली मशीन है, ट्रैक्टर माउंटेड वाली। तो देखिए कैसे क्या काम करती है। ये यहाँ पर से धान डाले जाते हैं और ये पालीसर इसमें है। ये इधर धान कूटने वाली है, इधर मशीन लगी है और यहाँ पे चावल लगे आते हैं। भाइयों, जो ये मशीन है पूर्वांचल कृषि यंत्र उद्योग की बनी हुई है और जो इसका डीलर है प्रकाश एजेंसी है, निगासन रोड लखीमपुर खीरी। तो भाइयों, अभी बात करेंगे किसान भाई से और पता करेंगे कि कैसा क्या इसमें प्रॉफिट वगैरह होता है। तो आप लोग वीडियो के साथ में जरूर बने रहिएगा। भाइयों, ट्रैक्टर है स्वराज 735 FP, देखते हैं कितने RPM पे चल रहा है। 1300 RPM पे चल रहा है भाइयों। डीजल वगैरह लगभग 3-3.5 लीटर ले रहा होगा इस समय। कोई खास लोड तो पड़ता नहीं है ट्रैक्टर पे, ताकि उन किसान भाइयों के लिए बढ़िया बिजनेस है जो खेती के साथ में जब कभी खाली रहते हैं तो उससे इससे काम ले सकते हैं भाइयों, धान कुटाई कर सकते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। तो ये बताइए, जैसे आप ये धान कुटाई वाली मशीन चला रहे हैं तो कब से चला रहे हैं मशीन? ये चल रही है जाड़न से। अच्छा, यही अभी सीजन पहला सीजन चल रहा है। हाँ। तो वैसे कैसा क्या इसमें एवरेज वगैरह निकल रहा है, कैसा क्या इसमें काम चल रहा है? अच्छा मिलता है, आजकल नहीं मिलता। आजकल अच्छा। तो डीजल भी चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। अच्छा। तो की बात होती है, मिलता है नहीं मिलता। हाँ, गांव-गांव घूमना पड़ता है। बाकी एक चीज से बताइए, जैसे ट्रैक्टर इस पे चलाते हैं तो डीजल कितना ले लेता होगा? डीजल जैसे आप दूर करेंगे, जैसे आप यहाँ से जैसे दिन में 7-8 घंटे 6 घंटे कुछ चलाते होगे तो कितना डीजल लेता होगा लगभग? 15-10 जैसे आप राउंड करी हो। अच्छा। जैसे चक्कर मरी हो, जैसे आप यहाँ से दूर के चक्कर मारो तो 1500-2000 हुई थी। और बचत वगैरह कितनी होती है? बचत जो कुछ काम मिले है तो बचत, ये काम है ना मिले। वैसे आधा आधा बच जाता है, कुछ ज्यादा बचा? आधा बच जाती है, काम मिल जाए तो आधा बच, सीजन पर आधा बचत, बाकी ना बच पाओ। अच्छा, बाकी इसके अलावा और भी काम जैसे करते हो खेती वगैरह का? खेती काम नहीं करते, खाली यही काम है, खाली यही काम पूरा सीजन। अच्छा, तो मतलब बढ़िया जो ट्रैक्टर लिए हो तो फाइनेंस वगैरह पे लिए हो कि अपना अपना कैश है? कैश पे है। अच्छा, वही मतलब पता करना चाहते थे, किसान भाई कुछ फाइनेंस वगैरह पे लेते हैं तो क्या किस्त वगैरह निकल जाएगी? इतना कुछ प्रॉफिट रहता है? नहीं ना, किस्त पे लो प्रॉफिट ना रहता है। करना है जी दे। अच्छा, 10 मतलब कोई खास इसमें प्रॉफिट नहीं है? अच्छा, बाकी काम मिलने पे है? काम मिलने पाए, जैसे काम मिल जाए तो 1500 बच जाए, 2000 बच जाए। अच्छा, मतलब ये पार्ट टाइम अगर खेती के साथ में इसको लगाए तो ज्यादा फायदा रहेगा। हाँ, तो खेती में भी काम ले लो, उसके बाद में खाली टाइम इसमें चला लो धान पे। तो बाकी ये मशीन वैसे नई ली थी पुरानी ली थी? सेकंड हम ली थी। कितने की खरीदी थी? ये हमारी रहा है 2,60,000 रुपये। अच्छा, तो बाकी ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है अपना? 19 मॉडल है। बढ़िया चल रहा? हाँ, बढ़िया चल रहा। सेकंड हैंड खरीदा था कि नया? सेकंड ही ले रहा हूँ। अच्छा, तो किसान भाइयों, ये थे 1635 FP ट्रैक्टर के ऑनर, तो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ धान कुटाई मशीन का। तो किसान भाइयों, आप लोगों को इनकी बात अगर अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।